मेरी फिल्म बद अभी रिलीज हुई है और उसमें मैंने हाँ फाइट किया और लोगों ने यस सर मैंने एक्शन किया टचवुड मैं कहूँगी कि पब्लिक ने बहुत पसंद किया मुझे ये बहुत पसंद आया थैंक यू सो मच आप सबका और एक्शन किया मैंने थोड़ा इमोशनल ड्रामा भी किया है पकड़ुआ अभियान में फाइनली मैं कॉमेडी करने वाली हूँ कॉमेडी फिल्म है ये फन मौजी और मैं बताऊँ सेट पे भी हम ऐसे ही फन मौजी की तरह ही रहते हैं मैं और विक्रांत मतलब फन मौजी में ही रहते हैं हंसते रहते हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि कॉमेडी फिल्म है और बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है आप किसके साथ फन करने वाले हैं कौन है आपके अपोजिट मेरे अपोजिट कौन बताओ मेरे अपोजिट ऑब्वियसली विक्रांत सर है लेकिन फन मौजी सबके साथ मैं फन करने वाली हूँ आप जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ देखेंगे सबके साथ मजा आने वाला है आपको देख के सब मस्ती मजाक करने वाले हैं यहाँ सर आप बताइए कि फन मौजी में कितना मजा करने वाले हैं देखिए मज़ा तो आपने देखा होगा हम अभी सीन भी नहीं हो रहा ना तो गाना हो रहा फिर भी इंजॉय कर रहे हैं मैं बिल्कुल एक बोलना चाहूँगा कि बालकिशन जी की जो स्क्रिप्ट होती है वाकई में ये ना ऐसा नहीं है कि हीरो हीरोइन को ही ये ज़्यादातर मतलब फुटेज देने की सोचते हैं ये ओवरऑल जितने भी सारे करेक्टर जैसे सुजान जी हो गए मटरू जी हो गए सबका इन्होंने प्रॉपर एक बना के रखा हुआ है कि ये होनी चाहिए और ऐसे और मेरा मानना ये है कि कॉमेडी में सबके तार जुड़े होते हैं सारे एक्टरों के तार जुड़े होते हैं तभी कॉमेडी निकल के आती है चाहे जो भी कॉमेडी आज तक हिट हुई है तो एक कमाल के स्क्रिप्ट इन्होंने बनाया है मुझे लगता है कि एक दो साल हो गया ना दो साल से लगे हुए थे और फाइनली हमको मौका मिला है कि मतलब लकी हूँ मैं कि मुझे मौका मिला इसके पहले इन्होंने कास्टिंग कुछ और कर रखी थी लेकिन मुझे मौका मिल गया करने का और बिल्कुल हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हमारे कुछ सीन्स भी शूट हुए हैं और ये चीज़ मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर बालकिशन जी बताएंगे कि इन्होंने जो बनाया हुआ है इनको कैसा मिल रहा है आउटपुट कैसा आ रहा है सर एक सवाल और ये जानना चाहूँगा कि शायद आपकी इनके साथ दूसरी मूवी होगी जी और किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा बालकिशन सर बिल्कुल अगर पहला एक्सपीरियंस अच्छा था तभी हम दूसरी फिल्म कर रहे हैं और वो फिल्म जो है एक्शन ओरिएंटेड थी तरकीब और ये फिल्म कॉमेडी है और मेरे हिसाब से कॉमेडी बहुत ही लोगों को लगता होगा बट एक एक्टर के लिए बहुत टफ है दांत निकालना मुंह बनाना ये कॉमेडी नहीं होता कॉमेडी एक सीन होता है कि आप कर रहे हो लोग हंस रहे हैं होता है ना कि आप एक खुद मुंह बना के कर रहे हो तो इसमें जो है आप कर रहे होंगे लोग हंस रहे होंगे कुछ एक सीन्स तो हिलेरियस हैं अभी हमने मैं और आकाश हम दोनों लोग हैं इस फिल्म में हीरो हैं इसमें मेरा डबल रोल है एक हरी है और एक हैरी है हैरी के चक्कर में इसके लग गए होते हैं ये बंदा गांव से आता है कुछ करने के लिए शहर लेकिन इसको पता ही नहीं कि जिसको देखो वही इसको पकड़ के मार भी रहा है और पूछ भी रहा है कि हीरा कहाँ है तो ज़्यादा मैं खोलूँगा नहीं लेकिन मेरी नसीब इतनी ख़राब होती है इनकी भी नसीब ख़राब होती है कि एक हीरा जो हमारे गांव में और यहाँ पे जिस हीरा के बारे में पूछा जा रहा है कुछ और ही है तो हम बताते हैं कि हीरा हमारे गांव में ठीक है तो यहाँ से एक टीम जाएगी हमारे गांव उस हीरा के चक्कर में लेकिन वो हीरा ये हीरा नहीं है जो वो लोग पूछ रहे तो सिक्वेंस तो बहुत कमाल के हैं और आज की मैं बात करूँगा जो गाना हम शूट करने जा रहे हैं इन्होंने बोला कि रोमांटिक मेरे हिसाब से बहुत ही सेंसुअस सॉन्ग है बहुत अच्छा गाना है जिसको ठीक है हम बोल सकते हैं हम एंजॉय करेंगे लेकिन आप लोग भी एंजॉय करेंगे सर ये जानना चाहूँगा फिल्म कॉमेडी बेस्ट लग रही है मुझे कितना कुछ कंपटीशन आपको मटरू जी से मिलेगा क्योंकि ये तो बादशाह है उसमें कॉमेडी फिल्म के साथ साथ ये सस्पेंस भी है भाई साहब हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 ये सब लोग हमसे ज्यादा खतरनाक कॉमेडियंस हैं नहीं ये लोग का इतना बढ़िया टाइमिंग है बाकी वो आकाश जी हो या ये हो या राम सुजान जी हो या मेरा भाई जो उधर बैठा हुआ वो हो सब लोगों का टाइमिंग बहुत परफेक्ट है मैंने एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आपसे यही मैंने बोला आपसे पहले कि यहाँ मुंह बनाने की बात ही नहीं है यहाँ पे सीन ऐसा लिखा गया है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो ये सुन रहा है और जब ये कर रहा है तो कोई और देख रहा है और वो एक्सप्रेशन का ही खेल है वो कट टू कट मिलेगा ऐसा नहीं है कि मैं हम लोग स्टेज पे खड़े हैं ये मुझे दबा दे मैं उनको दबा दूँ तो चाहे जैसे रक्षा हो गई सब लोग सारे लोग मिले आकांक्षा जी का किरदार एक अलग है सबका नम्रता का किरदार अलग है आकाश और मैं जो गाँव वाले हैं हमारा फ्लेवर एक ही है हम एकदम मान के चलिए को साला जो होता है ना थुरा रहे जिसको भर हिक मारना बोलते हैं भोजपुरी में ना जिसको देखो वही कूट के चला जाता है गांव वालों को परेशान किए थे शहर में उल्टा हो गया और इसके पीछे एक पंडित ने कांड किया हुआ है और वो पंडित जो है
ये इनकी भविष्यवाणी के चक्कर में हम शहर आते हैं, और इन्होंने बोला है हमसे कि आप शहर जाइए, आपका नाम होगा, दुनिया आपके पीछे आएगी, आगे पीछे घूमेगी। घूम रहा है तो है पोंगा पंडित है, पोंगा पंडित का रोल निभा रहे इसमें, बताइए सब कुछ। विक्रांत जी, मटरू जी की बड़ी शिकायत है कि इस फिल्म में कोई हीरोइन इनको भाव नहीं दे रही है, बेचारे अकेले रह गए हैं, क्या कारण है? सर कुछ देर रुकिए ना, यहाँ पे आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। मटरू जी ऐसे बोलते हैं, ये किसी भी सेट पे पॉसिबल नहीं हो सकता है। अरे भाई साहब, मैं सिनेमा की बात कर रहा हूँ, सिनेमा की मैं बात कर रहा हूँ। आप इंट्रोडक्शन आपके साथ नहीं है, नम्रता देखिए, अभी नम्रता ये इमली का कैरेक्टर कर रही है, इनके साथ इनका टाका बिड़ा रहता है, आगे पीछे हो रहा है, गाना भी गाया इन्होंने, अब क्या चाहिए? पूरी बारात लेके आओगे? ऐसा है क्या? अभी आपने क्वेश्चन किया ना, आप बताइए मुझे, अभी आपके सामने देख लीजिए, सॉरी इमली है, मटरू भाई तो सबसे पीछे बैठे हैं। अरे अभी पीछे गए, इसके पहले आगे ही थे, हाँ उसके बाद पीछे कर दिया गया। नहीं, आप चाहते हैं कि बीच में आए? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कि यहाँ बैठाऊं मैं उनको? हमको कहा गया है कि बरोस से पीछे ही बैठो, आगे मत जाओ। अच्छा जी, आपसे जाना चाहे कुछ अपने किरदार को कुछ बताना चाहे कुछ बताइए क्या? मेरा किरदार जो है ज्यादा तो वैसे बालकृष्ण सर बता पाएंगे, मैं जितना मैं अब तक मतलब मना किया गया मैं जानता हूँ। हाँ, मैं ये मुझे पता, इतना जो सर ने बता दिया, अगर उसके बाद मैं भी अपना किरदार बता दूंगी तो सब पता चल। लेकिन सीरियसली एक चीज बताना चाहूंगी कि जो गाना है वो लिटरली सर मुझे अब तक मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा गाना भोजपुरी में किया, सच्ची में, और बहुत मजा आने वाला। गाने की बात करूँ तो गाने आपके बेहतरीन होते हैं, ये अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। ये जो गाना आज यहाँ शूट हो रहा है किस जोनर का होगा ये सर? अरे अभी खोल के बताओ तो। नहीं नहीं, आग लगने वाला है, ठंडा में गर्मी का एहसास दिलाने वाला है। हम तो गाना के चलते आगे, हम भाई साहब आप जो बोले ना भैया, आपने क्वेश्चन किया, गाना देखने आए हैं, गाना मटरू भाई का आज कोई सीन उन नहीं है, गाना देखने। लेकिन मटरू भाई आप तो बोले कोई लड़की मेरे पास नहीं है। अरे नहीं, झूठ साबित हुआ। देखिए क्या, देखिए यहाँ पे जिसके पास पैन करिए, कैमरा देख लीजिए, जिसके पास दो दो हीरोइन हो वो तो बोलेगा ही ना, कोई नहीं है। मैं तो देखिए ऑन स्क्रीन जो भी हो, ऑफ स्क्रीन सब हीरोइन जितनी भी हीरोइन सब सबसे बहुत ज्यादा बनती है। मेरी खुद मैं आते सबसे पहले मैंने हक किया इनको देखते ही। सारे तो बंदे टिफिन लेके आते हैं मटरू भाई के लिए, लोग टिफिन लेके आते हैं। आप अपने किरदार के बारे में बताइए, किस प्रकार का किरदार होगा आपका? जैसे सर ने मना किया, मेरा नाम आकांक्षा वर्मा है, जैसे सर ने मना किया मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी नहीं, बट जो थूरने वाली बात सर ने की है ना, ये थूरती हमको, इन दोनों को सबसे ज्यादा मैंने थूरा है जी भर के उसी पिक्चर में। और मैं आकाश के अपोजिट हूँ इसमें, और बस ये कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बताऊंगी तो फिर सर ने जैसा बोला मजा नहीं आया। और ये मोहतरमा थूर के उनसे सेट भी हो जाती है बात, तो बस यही है। आपके ऊपर कुछ गाने फिल्म आए गए? जी जरूर, कल ही मेरा और आकाश का सॉन्ग था, वो भी रोमांटिक सॉन्ग हुआ है, बहुत ही अच्छा गाना। गाने के बारे में तो आंख बंद करके श्योरिटी हम आर्टिस्ट ऐसे ही पहले ले लेते हैं, क्योंकि सर के सारे सॉन्ग इतने अच्छे हैं। कल हमारा सॉन्ग हमें बहुत अच्छा लग रहा था, है ना, मैं खुद अपनी गाड़ी में रिपीट मोड पे सुन के जा रही थी, जब शूट पैकअप हो गया हमारे जा रहे थे तो मैं अपना ही गाना बार बार सुन रही थी, वाह यार क्या सॉन्ग शूट किया हमने कल, बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग। जी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप किस प्रकार से जुड़े, आप क्या क्या करते हैं? अभी सब लोगों ने बताया कि मैं युवा का कैरेक्टर कर रही हूं, सबने बता दिया। आप मटरू जी के साथ एंजॉय कर रही हैं? नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, सॉरी, ये नम्रता है और ये अपना आप बताइए खुद, ब्रिजेश भाई इंस्पेक्टर होते हैं और ये जो है उनको लाइन मारती हैं, और ये भाई साहब इनको लाइन मारते हैं, ठीक है, और ये भाई साहब उनको लाइन मारते हैं, ये ऐसे चल रहा है इधर, उसके अलावा मैं किसी को नहीं मार सकता हूँ, फुटा जाऊंगा। उन्होंने लाइन मारने की बात, पत्नी की बात ही नहीं किया, किसी को नहीं मारता। आप शायद कैमरा बंद करके पूछोगे तो वो बता भी देंगे, कैमरा ऑन है इसलिए वो बता भी नहीं रहे।
सर एक बार वापस आपके आ रहा हूँ, ये जलेबी टाइप की जो कॉमेडी बनाई है, एक लाइन यहाँ जा रही है एक लाइन वहाँ जा रही है, थोड़ा इस बारे में खुलासा करेंगे? नहीं खुल पाएगा, देखने के बाद ही खुलेगा जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। जी नमस्ते, मेरा नाम ब्रजेश पॉल है। जैसा कि भैया ने बताया कि हरी और हैरी का जो कैरेक्टर है वो लास्ट में जहाँ तक पहुँचता है, तो उन तक पहुँचते हुए जो एक जर्नी है और इसके बीच की जो गुत्थम गुत्थी और उसकी कॉमेडी है वो तो आपको रिलीज पे ही पता चलेगा। पहले नहीं बताना, बट वाकई में सीरियस जोक्स अपार्ट, वाकई में बड़ी अच्छी कहानी है। हम लोगों को ना मतलब मजा कर रहे हैं, हम लोग आज चौथा दिन होगा, चौथा पांचवा दिन, बहुत मजा आ रहा है। मतलब वो ना अपने अंदर कैरेक्टर चला गया। सर ये इंटरव्यू करके तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है ना, होप ये पिक्चर बहुत अच्छी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, रिकॉर्ड बनाएगी और बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच।